सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से तीन ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ गए जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तीनों एप्लीकेशन काफ़ी मस्त एप्लीकेशन है और तीनों कस्टमाइजेशन वाला एप्लीकेशन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं तीन ऐप कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा एप्लीकेशन है इसका नाम है यू लॉन्चर। ये जो लॉन्चर है काफी बढ़िया लॉन्चर है। इस लॉन्चर में आपको जो होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा काफी यूनिक और सिंपल देखने को मिलेगा, और आपको होम स्क्रीन पे साइड में कुछ एप्लीकेशन और नीचे भी कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जो की आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलेगा जो की दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया लॉन्चर है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लॉन्चर है आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉन्चर है हमारे फोन पे अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो होम स्क्रीन है काफी यूनिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पे साइड में कुछ एप्लीकेशन, नीचे भी कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जो की आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिलेगा जो की दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऊपर आपको डेट और टाइम देखने को मिलेगा और उसके ऊपर एक सर्चिंग बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो भी कुछ सर्च करना है आप इसको यहाँ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वॉलपेपर को चेंज करना है सिंपली आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग फोन का अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेगा। जो भी फोन वाला आपको वॉलपेपर अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा और इसमें आपको जितना भी वॉलपेपर देखने को मिलेगा सारा एकदम 4K अच्छे क्वालिटी में देखने को मिलेगा। अगर आपको अपना ऑल ऐप देखना है तो सिंपली आपको इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी यूज करना है आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया लॉन्चर है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। इस लॉन्चर में आपको लॉन्चर और वॉलपेपर दोनों देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको जितना भी वॉलपेपर देखने को मिलेगा सारा एकदम 4K क्वालिटी अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलेगा। आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है स्मार्ट नाइट क्लॉक। ये जो एप्लीकेशन है काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में क्लॉक देखने को मिलेगा जो कि आप अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारे क्लॉक देखने को मिलेगा। जो भी क्लॉक आपको अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया वॉच वाला एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसको स्लाइड कर लेना है, फिर आपको यहाँ डन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारे क्लॉक देखने को मिलेगा जैसे एनिमेटेड क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, एलईडी क्लॉक, स्मार्ट क्लॉक। जो भी क्लॉक आपको अपने फोन में अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनालॉग क्लॉक को अपने फोन में अप्लाई करना है सिंपली आपको एनालॉग क्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा एनालॉग क्लॉक देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लॉक लॉक देखने को मिलेगा, आपको इन सब क्लॉक को छोड़ देना है। यहाँ पे जो फ्री वाला क्लॉक है इसी में से आपको कोई भी क्लॉक अप्लाई कर लेना है। इसके बाद अगर आपको डिजिटल क्लॉक को देखना है सिंपली आपको बैक आना है, फिर आपको डिजिटल क्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एलईडी क्लॉक भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एलईडी क्लॉक अप्लाई करना है तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी क्लॉक अपने फोन में अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस वाले क्लॉक को अप्लाई करना है, सिंपली हम क्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। एप्लीकेशन जो भी परमिशन मांगेगा आपको सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। तो चलिए हम इसको अलाउ कर लेते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद जो क्लॉक होगा आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको अपना फोन लॉक करके दिखा देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो क्लॉक है हमारे फोन पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आपको जो भी क्लॉक आपको अपने फोन में अप्लाई करना है आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है कलर आईडी एंड स्पीकर। ये जो एप्लीकेशन है काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप कुछ भी अनाउंस करा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप इसको अनाउंस करा सकते हैं कि फला आदमी आपको कॉल कर रहा है। अगर आपको कहीं से मैसेज आ रहा है तो आप इसको भी अनाउंस करा सकते हैं कि फला जगह से आपको मैसेज आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कलर आईडी, फ्लैश लाइट अलर्ट, फ्लैश लाइट को भी आप अलर्ट करा सकते हैं, कॉल अनाउंसर, एसएमएस अनाउंसर, व्हाट्सएप अनाउंसर, आप व्हाट्सएप की मैसेज को भी अनाउंसमेंट करा सकते हैं। फिर यहाँ पे बैटरी एंड चार्जर अनाउंसर, मतलब कि अगर आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे या फिर चार्ज से निकालेंगे तो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। अगर आपके फोन की बैटरी लो होगा तो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग और कस्टमाइज का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन तीन एप्लीकेशन में सबसे बढ़िया एप्लीकेशन आपको कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।